ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। आज का ये वीडियो NDA 1 2022 एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 10th of April को NDA का एग्ज़ाम होने वाला है। एंड आई होप आप सभी की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। आई होप यू ऑल आर ऑन दी वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस एंड यू ऑल आर एंटरिंग अ न्यू फेज ऑफ रिवाइजिंग द सिलेबस। सो आई थिंक आपका प्रिपरेशन एक काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। लेकिन अभी जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज का इस वीडियो का होने वाला है, वो है लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन ज्योग्राफी। मतलब ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंस है एनडीए में, अराउंड 20 क्वेश्चंस तो एवरी टाइम आते हैं, 20 क्वेश्चन इनटू 4 अराउंड 80 मार्क्स के तो अराउंड एवरी एग्जाम्स में आते ही हैं। मतलब अगर आप ज्योग्राफी को मिस करते हैं तो यू आर गोइंग टू मिस अ ह्यूज नंबर ऑफ पोर्शन, ए ह्यूज नंबर ऑफ मार्क्स इन योर एनडीए एग्जामिनेशन। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, प्लीज़ डोंट मिस ज्योग्राफी। और जो आज का वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को देख लें और वो टॉपिक को पढ़ लें, तो आई एम मेकिंग श्योर दैट आपको अगर 20 क्वेश्चंस आ रहा है एग्जाम में, तो 20 में से आप 18 तो जरूर सही कर पाओगे। और अगर आपका प्रिपरेशन सही रहे तो आप 20 में से 20 को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से एवरी ईयर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और अगर आप इसे बिना पढ़े एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको मैक्सिमम वेटेज ऑफ मार्क्स आपको छूट जाएगा। सो डोंट अटेंड द एग्जाम विदाउट स्टडिंग दीज टॉपिक्स फॉर द ज्योग्राफी। स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आपको इसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया होने वाला है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है और उसको किस तरह से पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और ये क्वेश्चन फिलहाल अभी करंट न्यूज में था, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके NDA और CDS के एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। सो जो क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ द यूज़ ऑफ ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस। यहाँ पे एयर स्पेस होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज़राइल, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी इंडिया। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अभी वीडियो के कमेंट में जाएं और आप उसका कमेंट कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में देने वाला हूँ, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है अनअकैडमी की तरफ से। अपडेट यही है कि अगर आप CDS, NDA या फिर FCAT 2022 या फिर 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ का एडिशनल फ्री में सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और ये सिर्फ 22nd of February से 24th of February तक होने वाला है। सिमिलरली अगर आप अपने NDA एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप 24 मंथ का NDA का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 मंथ का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये भी 22nd से 24th तक होने वाला है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं अपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे NDA का, तो यहां भी अगर आप 12 मंथ का आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 12 मंथ का SSB का फ्री का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है, और ये सिर्फ 22nd of February से 24th of February तक होने वाला है। सिमिलरली अगर आप अपने CAPF की प्रिपरेशन कर रहे हैं, FCAT, CDS, तो यहां पे भी आपको अगर आप 12 मंथ का आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 12 मंथ का SSB का फ्री का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और ये भी सिर्फ 22nd of 24th से वैलिड होने वाला है, इसलिए आप इसे जल्द से जल्द अवेल करें। फ्रेंड्स, NDA एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी पे एक प्रैक्टिस बैच आया है जो कि 23rd of February से 5th of April तक होने वाला है, और यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स भी देख सकते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं एयरफोर्स को लेकर, तो यहाँ पे FCAT के लिए भी एक बैच आया है आप, और यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स देख सकते हैं, ये भी 23rd of February से स्टार्ट होने वाला है। और CDS एग्जाम को लेकर भी एक 30 डेज का बैच कोर्स आया है जो कि 23rd of February से स्टार्ट होगा, और यहाँ पे भी आप लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स देख सकते हैं। और अगर आप अपने नेवी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 23rd of February से 7th of April तक एक बैच चलने वाला है, गोदावरी बैच, यहाँ पे आप लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने NDA एग्जाम की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि अभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस पे प्राइस हाइक होने वाला है, तो जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ के प्राइसेस दिख जाएंगे। ये कंप्लीट प्राइसेस आपको पे नहीं करने, पे करने से पहले आपको यहाँ पे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, जहाँ पे आप सिंपली FD10 टाइप करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे। और सिमिलरली एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, CDS या फिर CAPF के कोर्सेज का भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट प्राइसेस आपको पे नहीं करने हैं। पे करने से पहले एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, जहां पे आपको सिंपली FD10 टाइप करना है, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। CDS और CAPF ये सारे कोर्सेज का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ज्योग्राफी, और अभी जो पिक्चर जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, यहां पे मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर रख दिया है,
और मैं अभी आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ कि आपको इस टॉपिक को किस तरह से पढ़ना चाहिए। और जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी को लेकर, तो जो एनडीए में ज्योग्राफी आते हैं ये टू टाइप्स में डिवाइड होते हैं, एक होते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक होता है इंडियन ज्योग्राफी। सो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इंडियन ज्योग्राफी में भी आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ सकते हो। सो फर्स्टली वी विल टॉक विद द वर्ल्ड ज्योग्राफी। इन वर्ल्ड ज्योग्राफी यू हैव टू स्टडी द इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। और एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका सोर्स होना चाहिए, यू हैव टू स्टडी फॉर एनडीए एग्जामिनेशन ओनली फ्रॉम एनडीए पाथ फाइंडर, क्योंकि जो एनडीए का पाथ फाइंडर बुक है ये मोस्ट ट्रस्टेड बुक है। और जो एनडीए के जो टॉपर्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स दे प्रीफर ओनली एनडीए पाथ फाइंडर। अगर आप सिर्फ एनडीए का पाथ फाइंडर ही पढ़ लेते हो, ज्योग्राफी या कोई भी सब्जेक्ट, आइदर साइंस, पॉलिटिकल साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट, तो आपका आई वुड से यू दैट यू विल बी इन ए पोजिशन टू गेट 400+ marks only in GAT itself. So important latitudes and longitude, जैसे कि होता है 23.5 degree latitude north, 23.5 degree south, 66.5 north, इसको क्या अलग से नाम दिया गया है, 0 degree and with how many states that Tropic of Cancer passes through, और time किस तरह से change होता है, India का time और Greenwich का mean time में difference क्या है। So जो आपको important topics जो कि आपके एनडीए का पाथ फाइंडर बुक में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से दिया गया है, वो आपको कवर कर लेने हैं। और उसके बाद आपका अगला टॉपिक है मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड इट्स इफेक्ट। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड इट इफेक्ट, यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इन द टॉपिक ऑफ मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड इट्स इफेक्ट, हियर यू विल स्टडी दैट ऑन विच डे इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे अकर, शॉर्टेस्ट नाइट अकर, लॉन्गेस्ट डे इन द साउथ हेमिस्फीयर, शॉर्टेस्ट डे इन द साउथ हेमिस्फीयर, और जो अर्थ का जो रेवोल्यूशन है, रोटेशन है, ये कितना टाइम का होता है, और बाकी सब प्लैनेट का रोटेशन और रेवोल्यूशन कितना टाइम का होता है। मतलब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पाथ फाइंडर में दिया गया है फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड इट्स इफेक्ट, वो टॉपिक को तो आपको कवर करने ही करने हैं। उसके बाद जो थर्ड हमारा टॉपिक है एक्लिप्स, एक्लिप्स से तो आपका एक क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा, क्योंकि इफ़ यू ओपन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम द एक्लिप्स। एक्लिप्स में आपको दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सोलर एक्लिप्स, एक होता है लूनर एक्लिप्स। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, एक्लिप्स में आपको पढ़ना है कि अर्थ का पोजीशन सोलर एक्लिप्स में क्या होता है, और वही अर्थ का पोजीशन लूनर एक्लिप्स में क्या होता है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है, हमारा अगला टॉपिक है रॉक्स। रॉक्स में आपको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रॉक्स लाइक इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, और उसके कुछ एग्जांपल्स, क्योंकि जो आप एनडीए का अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेंगे तो आपसे पूछ देगा कि लिग्नाइट इज ए काइंड ऑफ विच रॉक। सो हियर बेसिकली यू मस्ट बी थरो विथ ऑल द एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक। ये था आपका रॉक। उसके बाद वेदरिंग का भी एक डिटेल एक्सप्लेनेशन पाथफाइंडर बुक में दे दिया गया, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है ओशन करेंट्स एंड टाइड्स। ये आपका ओशन करेंट्स एंड टाइड्स से ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे अराउंड 2 question एवरी ईयर एनडीए एग्जाम में देखे जाते हैं। ओशन करेंट्स एंड टाइड्स को लेकर जब हम बात करते हैं, तो इस ओशन करेंट्स और टाइड्स में आपको पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ ओशन करेंट लाइक वार्म ओशन करेंट, कूल ओशन करेंट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट लोकल ओशन करेंट का नाम दे दिया गया है, जैसे कि ओयासियो ओशन करेंट, उसके बाद नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशन करेंट। सो मतलब कुछ इंपॉर्टेंट ओशन करेंट्स का नाम दे दिया गया है, उसके बारे में आपको पढ़ना है कि वो ओशन करेंट वर्ल्ड के किस भाग में बहता है और उसका लोकेशन किस एरिया में रहता है, तो ये आपको एक डिटेल में पढ़ना है। उसके बाद टाइड्स भी आपको दो टाइप का होता है, एक नीप टाइड, एक स्प्रिंग टाइड, वो कब नीप टाइड आता है, और व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू टाइड्स, ये भी क्वेश्चन एक बार आ चुका है। सो आपको इस टाइप का एक सिलेबस पता होना चाहिए ज्योग्राफी को लेकर। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डेट, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम एंड डेट का मतलब जो हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं इंडिया में, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम, इसका बेसिक्स क्या है, इसका बस आपको एक बेसिक्स पढ़ना है। उसके बाद इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में भी आपको एक डिटेल से बेसिक्स ही पढ़ना है, और ये सारे बेसिक्स आपको एनडीए के पाथफाइंडर बुक में मिल जाएंगे। सिमिलरली आपके अगले टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से भी अराउंड 1 question तो श्योर शॉट आ जाता है। एटमॉस्फेयर में आपको पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ एयर। उसके बाद आपको हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे लेयर हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। सो इसके बारे में आपको एक डिटेल में पता होना चाहिए कि इसका डिस्टेंस कितने से कितने दूरी तक होता है। उसके बाद ओजोनोस्फीयर
जो कि एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर है, ये ओजोनोस्फीयर में अभी जो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है तो इसको लेकर आपको एक डिटेल जानकारी होना चाहिए। और रिसेंट में जो क्लाइमेट चेंज का जो मीटिंग हुआ था COP26 जो कि ग्लासगो में हुआ था, इससे आपसे क्वेश्चन आ सकता है जो कि करंट अफेयर्स से काफ़ी रिलेटेबल है। सो आपको मतलब ज्योग्राफी के टॉपिक्स प्लस आपको करंट अफेयर्स को भी रिलेट करके पढ़ना है। सो इस टाइप से आप ज्योग्राफी को पढ़ सकते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं विंड को लेकर, तो विंड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विंड भी दो टाइप के होते हैं, एक सीजनल विंड होता है और एक लोकल विंड होता है। आपको इंपॉर्टेंट विंड्स के बारे में भी पढ़ने हैं, जैसे कि इंडिया में जो लू इज़ अ काइंड ऑफ विंड विच ब्लोज इन आर कंट्री। और उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स के भी नाम याद रखने हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में ब्लो होते हैं। सो आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, और विंड से तो एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो आना श्योर शॉट है। आप इस विंड टॉपिक को नहीं मिस कर सकते हो। सो आपको विंड तो श्योर शॉट पढ़ना है। अलग अलग वर्ल्ड के जो रीजन है वहाँ पे जो विंड का नाम दे दिया गया है अलग अलग नाम है, वही नेम प्लस वो किस एरिया में विंड ब्लो होता है वो आपको एक डिटेल में जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। उसके बाद साइक्लोन। अब देखिए साइक्लोन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं साइक्लोन को लेकर तो पिछले साल भी इंडिया में अराउंड 2 से 3 साइक्लोन तो आया था। जैसे कि एक साइक्लोन तौते आया था जो कि जो महाराष्ट्र के जो कोस्टल एरिया से उधर आया था। उसके बाद बंगाल के कोस्टल एरियाज में भी आया था साइक्लोन। 2015 में एक तितली से साइक्लोन आया था जो कि बंगाल के कोस्टल एरियाज में आया था। सो साइक्लोन से भी तो एक क्वेश्चन तो श्योर शॉट बनता है आपके एनडीए के एग्जामिनेशन में। और फिलहाल जो कि यूरोपियन नेशन में भी एक साइक्लोन आया है इस ईयर 2022 में भी। सो इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब साइक्लोन में भी आपका एक टॉपिक और आता है, एक होता है साइक्लोन, एक होता है एंटी साइक्लोन। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द प्रेशर इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन। सो सेंटर ऑफ द साइक्लोन में लो प्रेशर होता है, और जैसे जैसे हम बाहर की ओर आते हैं मतलब सेंटर से जैसे जैसे हम दूर की ओर आते हैं तो साइक्लोन का प्रेशर बढ़ता जाता है। सो इन दिस वे यू शुड नो द बेसिक्स बिहाइंड साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है क्लाउड्स एंड रेनफॉल। क्लाउड्स एंड रेनफॉल में आपको इंपॉर्टेंट क्लाउड्स के नाम याद रखने हैं और उसका वो कितने किलोमीटर की दूरी पर रहता है। जैसे कि कुछ क्लाउड के नाम है निम्बस, कुमलस, स्ट्रेटस, अल्टो, सीरस, दीज आर द नेम ऑफ द क्लाउड। और आपको याद ये भी रखना है कि कितने से कितने दूरी के बीच को क्लाउड को हम क्या नाम देते हैं। जैसे कि जो लोएस्ट क्लाउड है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, नेम ऑफ द लोएस्ट क्लाउड इज निम्बस। सो इस तरह से अब हम निम्बस से ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा हमारा स्ट्रेटस, स्ट्रेटस से ऊपर हो जाएगा निम्बस, स्ट्रेटस, अल्टो, सीरस, इस टाइप से कुछ कुछ क्लाउड्स होते हैं। तो आपको क्लाउड्स का भी एक इम्पॉर्टेंट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद रेनफॉल। रेनफॉल भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। रेनफॉल में आपसे पूछ जाएगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेनफॉल। और आपको रेनफॉल में पता होना चाहिए एक टाइप होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, एक होता है सीजनल रेनफॉल। सो इस टाइप का रेनफॉल का टाइप्स मतलब बेसिक आपका एनडीए का पाथ फाइंडर में दिया हुआ है, उससे आप पढ़ेंगे तो आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है पोर्ट्स। पोर्ट्स में आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के नाम और उसके लोकेशन। इसको तो डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है, मरमगांव पोर्ट कहाँ है, उसके बाद हल्दिया पोर्ट कहाँ है, विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ है, उसके बाद चेन्नई में भी एक पोर्ट है तो उसका भी नाम आपसे पूछ सकता है। सो मतलब यू मस्ट नो दी लोकेशन ऑफ द पोर्ट, वेयर इट इज सिचुएटेड, इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज सिचुएटेड। सो पोर्ट के बारे में आपको ये जानकारी रखना है। उसके बाद स्ट्रेट्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के नाम और वो किन दो शहरों को जोड़ता है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का हुआ एक, उसके बाद एक होता है पाक स्ट्रेट विच इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ये जो दो बॉडीज जैसे कि इंडिया और श्रीलंका है, ये दो बॉडीज़ को जो जोड़ता है पाक स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सो आपको स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी एक है, तो आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के नाम रखने हैं प्लस वो स्ट्रेट्स किन दो रीजन को आपस में जोड़ते हैं, इट कनेक्ट्स विच टू रीजन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है मेजर आइटम्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये आपको पाथफाइंडर में भी एक लिस्ट दे दिया गया है कि इंडिया कौन कौन से आइटम को एक्सपोर्ट करता है, कौन कौन से आइटम को इंपोर्ट करता है। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू मिनरल्स, पावर रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू कवर इट फ्रॉम द पाथफाइंडर इटसेल्फ, इट विल बी सफिशियंट, इट विल सफिशियंट द नीड। जो आपको यहाँ पे जो टॉपिक यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ, ये टॉपिक आपको पाथफाइंडर बुक से पढ़ लेना है। और अगर आपके पास पाथफाइंडर बुक नहीं है
तो एक और बेस्ट सोर्स मैं आपको बता सकता हूँ, वो है आपका लूसेंट का जीके बुक या फिर अरिहंत का जीके बुक। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द जीके बुक आइदर लूसेंट और अरिहंत देन यू कैन गो फॉर इट। बट इफ़ यू हैव पाथफाइंडर बुक आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर द पाथफाइंडर बुक ओनली, बिकॉज इन पाथफाइंडर बुक एवरी टॉपिक इज कवर्ड इन डिटेल। और आपको तो अगर पाथफाइंडर बुक पढ़ लेंगे तो आई वुड गारंटी यू दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन योर इंडिया एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको पढ़ना है मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड देयर वेजिटेशन, मतलब बेसिकली यू हैव टू स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंट वेजिटेशन लाइक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कौन कौन से उनमें ट्रीज पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उसके बाद ट्रॉपिकल जो डेसिडियस फॉरेस्ट, उसके बाद मेडिटेरियन फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, उनमें कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, उनका क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, इसके बारे में भी आपको एक डिटेल में पाथफाइंडर में दे दिया गया है। सो दीज वेयर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू हैव टू कवर फ्रॉम द वर्ल्ड ज्योग्राफी, बस इतना सा ही टॉपिक, बाकी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी काफ़ी बड़ा है। अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने बैठ जाएँ तो यू विल बी एबल टू रीड अराउंड 2 to 3 बुक्स, देन ऑल्सो वर्ल्ड ज्योग्राफी विल नॉट गेट ओवर। सो मैं आपको एक रफ आइडिया दे दिया हूँ कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, इसको आप एक बार स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। सो ये था आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी। और जब हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी को, इंडियन ज्योग्राफी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आता है तो 20 में से लगभग 12 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी के और 8 क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के। सो यहाँ पर तो ज्योग्राफी में तो मोर वेटेज इंडियन ज्योग्राफी का है। सो इंडियन ज्योग्राफी का द बेस्ट सोर्स एंड द बेस्ट टॉपिक विच यू हैव टू स्टडी, यू ओपन द पाथफाइंडर बुक। पाथफाइंडर बुक में जितना सारा इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक दे दिया गया है आपको सब चीज़ पढ़ लेना है, एक भी टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे, रेलवेज, रोलवेज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आर कंट्री एंड इंपॉर्टेंट नेम ऑफ द पोर्ट, एंड यू मस्ट ऑल्सो स्टडी द नेम ऑफ द एयरपोर्ट्स और वेयर इट इज़ लोकेटेड। मतलब यू मस्ट कवर ईच एंड एवरी टॉपिक फ्रॉम द इंडियन ज्योग्राफी वॉट एवर इज मैंशनड इन द पाथ फाइंडर बुक। सो योर पाथ फाइंडर बुक इज गोइंग टू बी द ब्रह्मास्त्र, इट इज़ गोइंग टू बी योर बाइबल फॉर योर एनडीए प्रिपरेशन फॉर द ज्योग्राफी पार्ट। सो ज्योग्राफी पार्ट में आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस टॉपिक फ्रॉम द वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी, कवर ऑल द टॉपिक फ्रॉम द इंडियन ज्योग्राफी, देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में। स्टिल आपके पास कोई डाउट हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइप की वीडियोज हिस्ट्री में भी लेके आऊँ, पॉलिटी में भी लेके आऊँ, साइंस में भी लेके आऊँ, तो आप ज़रूर सजेस्ट करें। मैं अपने आगे आने वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन पॉलिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन साइंस भी आपके सामने लाऊंगा और उससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है, क्योंकि अब एनडीए एग्जाम के लिए तो अराउंड 45 डेज ही बचे हैं और इस 45 डेज में तो आपको लास्ट 30 डेज रिविज़न ही करने हैं। तो रिविज़न के लिए आप ये सारे टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। अब वापस से आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था। सो जो क्वेश्चन वाज, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ द यूज़ ऑफ ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस, और ये चार आपके ऑप्शंस थे, ऑप्शन ए इज़राइल, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी इंडिया। यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए इज़राइल, इज़राइल आपका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक ये वीडियो का एंड था। अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आप अपने एनडीए एग्जाम का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में मैं कंप्लीट आपको एनडीए का करंट अफेयर्स कवर कराने वाला हूं। वैसे 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, आप वो दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं, मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उस प्लेलिस्ट को विजिट करें और आप करंट अफेयर्स का वीडियो देखें। आगे आने वाले वीडियोस में मैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट कवर करने वाला हूँ, इसलिए फॉर करंट अफेयर्स यू कैन कंप्लीटली बिलीव ऑन अस। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड, थैंक यू, जय हिंद।